भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मंजुल त्रिपाठी मंगलवार को शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत एक दिवसीय दौरे पर खरगोन पहुंचे। त्रिपाठी ने खरगोन शहर में पहले आगमन पर कार्यकर्ताओं ने उनका उत्साह के साथ स्वागत किया। उन्हें जुलवानी रोड स्थित सूत मिल से शहर तक बाइक रैली के रूप में लाया गया। शहर पहुंचने पर किला गेट से त्रिपाठी के नेतृत्व में श्री कृष्ण टाकी तिराहे पर युवा जागरण मशाल रैली निकाली गई। इसके बाद गायत्री मंदिर के सामने स्थित कार्यालय पर पत्रकारों से रूबरू हुए त्रिपाठी ने कहा कि देश में शिक्षा का स्तर लगातार गिर रहा है। सरकार ने कोरोना काल में जहां लोग ऑक्सीजन को तरस रहे थे, उस दौरान पिछले दरवाजे से नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई है। इनके बारे में न तो शिक्षक जानते हैं न प्रोफेसर। इसको लेकर शिक्षा बचाओ देशव्यापी अभियान छेड़ा गया है। आज इस अभियान को लेकर ही शहर पहुंचे हैं। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। जिले हर जिले में जा रहे हो, किस प्रकार से मांग है? हमारी मांग हर जिले में जा रही है छात्रों के बीच में कि विगत कई वर्षों से मध्य प्रदेश में SC ST स्कॉलरशिप रोक दी गई और इससे करीब मध्य प्रदेश के 20 लाख छात्र हमारे प्रभावित हैं। सबसे पहले उनके स्कॉलरशिप को बहाल किया जाए। साथ ही मध्य प्रदेश में जिस तरह से एक बेरोजगारी चरम पर है, युवाओं के लिए जिस तरह आदरणीय कमलनाथ जी ने 70% लोकल युवाओं के लिए फैक्ट्रियों में रोजगार की बात की थी, उस पर अमल किया जाए। इसके साथ ही हमारा जो नई शिक्षा नीति आई है उसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि यह एक ऐसी शिक्षा नीति है जो पूरी तरह से पूंजीपतियों के लिए लाभदायक है और इससे कहीं ना कहीं प्राइवेट महाविद्यालयों को प्राइवेट विद्यालयों को फायदा मिलेगा और हमारे छात्र अपनी पढ़ाई से वंचित होंगे। इन सभी मांगों को लेकर यह हमारी मुहिम है और उसको लेकर आज हम खरगोन जिले पर आए हैं। आपने कहा कहीं ना कहीं जो भाजपा है वो हिंदू मुस्लिम को बांटने की राजनीति कर रही है, युवा विद्यार्थियों को भी इसी तरीके से बांटा जा रहा, तो किस प्रकार का आरोप है? देखिए, विगत दिनों आपने सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो देखा होगा जहां पर एक हमारी बहन कोचिंग संस्थान में जाती है और वहां भी उसके ऊपर इस तरह के टिप्पणी की जाती है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आज निकल कर आई हैं। पहले हम भी इसी समाज में रहते थे तो एक नारा चलता था कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लेकिन 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं तो हिंदू और मुस्लिम के बीच में ऐसी दरार उन्होंने बना दी है कि जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में। खुद तो पाकिस्तान जाते हैं और वहाँ से बिरयानी खा कर आते हैं, लेकिन हमारे जो भारत में मुस्लिम भाई हैं उनके बीच में ऐसे दरार डालने का काम है जो कहीं ना कहीं हमारे इस जो समाज में एकता थी इसको दूषित करने का काम करते हैं। कांग्रेस में भी तो विधायक पीछे नहीं, जैसे आरिफ मसूद जी ने सूर्य नमस्कार का एक याचिका ही लगा दी न्यायालय में और आज उनको उसमें परिणाम नहीं मिले। देखिए, कहीं आरिफ मसूद जी का कहना यह था कि कोई आवश्यक नहीं है यह सूर्य नमस्कार का, तो कोई भी धर्म हम किसी के ऊपर थोप नहीं सकते। अगर मैं आज हिंदू हूँ तो हमारे ऊपर यह नहीं कि हम नमाज पढ़ें। कांग्रेस पार्टी हमेशा से सब धर्म का सम्मान करती थी और उसी तरह आज भी करती है। आप पिछले दिनों भी समाज में थे, आज भी हैं। आज कहीं ना कहीं स्थितियाँ अलग दिखने लगी। 2018 तक हिंदू मुस्लिम की लड़ाई चली, उसके बाद अंग्रेज पिछड़े की लड़ाई उठने लगी। लगातार आप देखो भाजपा नेता जहाँ जाता है वहाँ यह दिखाने की कोशिश करता है कि हम अनुसूचित जनजाति के यहाँ खाना खा रहे हैं, हम आदिवासी के यहाँ खाना खा रहे हैं, लेकिन जब वह खाना खाकर निकलते हैं तो उस घर की स्थिति क्या होती है, दोबारा पलट कर भाजपा नेता कभी नहीं उनका जो जिस प्रकार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।